आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले में 4 शूटर अरेस्ट। चंद्रशेखर आजाद के विवादित बयानों के चलते आहत थे, जिसके चलते किया था हत्या का प्रयास। घटना वाले दिन 28 जून को चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम की जानकारी होने पर हत्या की ठान ली थी। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों से शूटरों ने ली थी देवबंद में अगले कार्यक्रम की जानकारी। करनाल का रहने वाला विकास चला रहा था हमले के वक्त स्विफ्ट गाड़ी। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी धीमे होते ही गाड़ी को ओवरटेक कर 3 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने शूटरों के पास से 2 तमंचा और 4 जिंदा कारतूस किए बरामद, गिरफ्तार। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले की घटना का 72 घंटे में सफल रावर पर डीजीपी ने खुलासा करने वाली टीम को 50,000 का इनाम दिया। राजपत्रित अधिकारियों को डीजीपी की तरफ से दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्चुनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी, एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की। ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकल कर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं, एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रनकंडी का रहने वाला है, एक शांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की उप विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में यह बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफी ऐसी चीजें थी इसको लेके हम लोग में काफी नाराजगी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे। और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था, तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है, जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है, जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहां यहां की टीम गई और वहां पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहां से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। सर, क्या इनका आपराधिक इतिहास है? जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस कोर्ट में, 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में है। वो सारी चीजें हमने आप लोगों को मेंशन कर दिया। इन चारों का आपराधिक इतिहास है या दो का? 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। गाड़ी में आते वक्त हथियार इनके पास थे, जैसा की हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट की घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा। जिस बयानों से ये आहत हुए थे, क्या वो राजनीतिक बयान थे या जातिगत बयान थे, कुछ बताया है इन्होंने? ये सारी चीजें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है, काफी तथ्य भी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक तो जो आया है ये 4 लड़के ही शामिल है और सारी की गिरफ्तारी हुई है और ये सारे के सारे चारों। हाँ, फायरिंग इसीलिए की गई थी।